टीएस सिंहदेव का प्रभाव तो पहले था, बहुत बढ़िया था। टीएस सिंहदेव की स्थिति ठीक नहीं है। और बहुत लोग बोले तो पप्पू, तो मैं बोला कि पप्पू पास हो गए क्या? बोले कि हाँ पप्पू पास हो गए। तो धाने बेचने से पूरा जीवन यापन नहीं हो जाएगा ना भैया? आओ तो कहे वो चीज है, आप धान का 3200 रुपया दे दीजिएगा तो हम लोग का पूरा साल कट जाएगा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अंबिकापुर विधानसभा में। यहां से दिग्गज कांग्रेसी नेता महाराष्ट्र सरगुजा टीएस सिंहदेव विधायक हैं। टीएस सिंहदेव का प्रभाव सरगुजा संभाग में आज के समय में कितना रह गया है, यह जानने के लिए हम मतदाता के बीच चलते हैं। सिंहदेव का प्रभाव सरगुजा संभाग को आप किस रूप में देखते हैं? अभी पिछले 3 कार्यकाल से विधायक रह चुके हैं अंबिकापुर में, और पिछले बार भी उनका जो है 14 सीटों पर जो उनके कारण ही जीत दर्ज की गई थी, स्टार प्रचारक थे। और इस वर्ष भी जो है उनका पैठ अच्छा ही है, और जनता का अब इसमें जनता क्या निर्णय देती है उस पर निर्भर करता है। क्या लगता है इस बार संभाग के 14 सीट पर लगभग कितने में जीत दर्ज? भाजपा और कांग्रेस दोनों टक्कर की है, अब देखिए तो निर्णय अब वोटर करेंगे। क्या लगता है ये सिंहदेव का प्रभाव आज भी बरकरार है? देखिए क्या कि जनता देख रही है 15 साल टीएस बाबा का प्रभाव कैसा था और किस तरह था, और इस बार जनता बता रही है, मैं नहीं बताऊँ, जनता बता रही है कि बहुत बड़ा प्रभाव है इस बार, एकदम गजब का उनका माहौल भी है। जनता जो बता रही है, जहाँ भी जाता हूँ तो पूछता हूँ लोगों से, शहर में घूम रहा हूँ, गाँव में घूम रहा हूँ, लोग बताते हैं इस बार भी यही प्रभाव रहेगा। प्रभाव बरकरार है, लेकिन एग्जिट पोल में तो उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान बताया गया है। देखिए क्या कारण मान? देखिए क्या कि एग्जिट पोल अभी के समय मैं नहीं मानता है कि कंफर्म रहेगा। जो मैं अपना बता रहा हूँ, जो जनता से बात करता हूँ, ग्रामीण में जाता हूँ, गांव से बात करता हूँ, शहर में वार्ड में बात करता हूँ, तो बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री अभी अच्छे हैं। संभाग की सभी 14 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज, क्या लगता है इस बार भी ऐसा ही कुछ परिणाम रहेगा? देखिए इस बार उतना नहीं लग रहा है कि रहेगा, लेकिन रहेगा कम से कम वही 6-7। तो अपन कह सकते हैं कि जो नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव का प्रभाव कम तो हुआ है। देखिए क्या है ना कि सब राजनीति है और कैसे कैसे लोग गेम खेल रहे हैं, अब तो 3 दिसंबर को जनता बताएगी कि क्या करना है, यानी 17 नंबर को बताएगी और 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट पता चलेगा कि किधर क्या हो रहा है। बाकी तो आपको क्या लगता है? अब मेरे को क्या लगता है, जो जनता बताती है, जो सुनते हैं, वो लगता है कि हाँ इस बार राहुल गांधी का भी कार्यक्रम कल हुआ। देखिए क्या सभा है कि को आप किस रूप में देखते? मैं बहुत कल लोगों से बात किया तो लोगों का कहना यह था कि 2018 में आए थे राहुल गांधी, उसी जगह पे आए थे, यानी थोड़ा सा अंतर था 1-1.5 किलोमीटर का। तो लोगों का कहना था कि 2018 में आए, और बहुत लोग बोले थे पप्पू, तो मैं बोला कि पप्पू पास हो गए क्या? बोले कि हाँ पप्पू पास हो गए। देखिए मैं गलत नहीं बोला, जनता जो बता रही थी वो बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इस बार भी राहुल गांधी आया ना तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। मौके पे थे क्या, आपको लगता है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम सफल रहा? बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा बोलना सीख गए हैं, मैं सुना और वो लोग बता रहे थे, मैं तो क्या बताऊँ। आपके राहुल गांधी के भाषण से किस विषय पे ज्यादा प्रभाव? देखिए क्या है कि आपको सच्चाई बता दूं कि मैं पहुंचा वहां, लेकिन अंदर जाने नहीं दिए, वहाँ के जो पीएसओ वगैरह थे, मैं थोड़ा सा लेट था, फिर अंदर घुसने दिए, फिर मैं क्या कि भीड़ में कहाँ खड़े रहूँगा, फिर वापस नहीं आया। बाकी उनकी भाषा सुनी, बस थोड़ा सुना, उसके बाद वापस आ गया। परिचय बताइए, क्या आपको लगता है कि टीएस सिंहदेव का प्रभाव आज भी बरकरार है? मैं आरके शुक्ला अंबिकापुर से। टीएस सिंहदेव का प्रभाव तो पहले था, बहुत बढ़िया था, यहाँ की पब्लिक राजा भी मानती थी, विधायक भी मानती थी, मंत्री भी मानती थी। लेकिन अभी इस पंचवर्षीय में वो खाली रायपुर और दिल्ली ही चले हैं, पूरे 5 वर्ष तक किसी भी विधानसभा में कहीं भी गए नहीं। और जहाँ तक मेरे जानकारी के मुताबिक सरगुजा के लिए एम्स हॉस्पिटल आई थी, उसको भी उन्होंने बिलासपुर पहुँचा दिया। तो अभी तो इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या लगता है सरगुजा संभाग की 14 सीट में कितनी सीट लगता है कि आपको कम से कम कांग्रेस जीतेगी? 3-4 सीट कांग्रेस आ जाएगी, इससे ज्यादा तो। इतना बड़ा नुकसान का कारण क्या मानते हैं? पब्लिक के बीच में गए नहीं विधायक लोग,
और किसी भी विधानसभा में कोई काम हुआ नहीं, और शहर की भी परिस्थिति बहुत बुरी है। रोड नहीं है, नाली नहीं है, कई ऐसी समस्याएं हैं कि पब्लिक समस्याओं से जूझ रही है। अभी तो बीच में अंबिकापुर शहर में ऐसा हुआ था कि पानी नहीं आ रहा था, पानी के लिए पब्लिक परेशान थी। तो गांव से लेकर शहर तक बहुत बुरी स्थितियां हैं, और जितने भी इस पंचवर्षीय में विधायक थे, मंत्री थे, वो कहीं भी पब्लिक के बीच में गए नहीं, कोई काम नहीं किए, इसलिए समस्या गंभीर है। अंबिकापुर विधानसभा को लेकर कुछ बताना चाहेंगे, क्या हो सकता है, क्या प्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं, या टी एस सिंहदेव लगातार चौथी बार जीत बरकरार रखें? इस बार अंबिकापुर विधानसभा में कुछ कहा नहीं जा सकता, टी एस सिंहदेव की स्थिति ठीक नहीं है। नाम एवं परिचय बताइए, और क्या लगता है कि टी एस सिंहदेव का प्रभाव आज भी सरगुजा संभाग में बरकरार है? मेरा नाम विद्यानंद मिश्रा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में जिला कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में कहाँ से उनका प्रभाव रहेगा, 15 साल विधायक रहे, आज तक कोई काम नहीं किए। उनकी स्थिति यह है कि वो अपना किसी तरह जमानत बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। आज लोगों के नज़र में और इस विधानसभा के नज़र में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई काम किया हो जिनसे उनको लोग जाने विधायकी के रूप में। वो सिर्फ उनका 5 साल तो सिर्फ रायपुर से दिल्ली मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कट गया, समय एक बार भी समय नहीं दे पाए ना किसी गांव में जा पाए हो। और आज साया साड़ी बांट रहे हैं तो सोच रहे हैं लोग कि इसमें साया साड़ी में बिक जाएंगे, लेकिन लोग बिकने वाले अब की बार नहीं है। अपील आप बार लोग मन बना के बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। वैसे भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार जो पूरे राज्य में बदनाम हो चुकी है, ऐसे सरकार को दोबारा लाने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा। आपको क्यों लगता है कि उनका प्रभाव कम हुआ, क्योंकि लगातार 3 बार से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, चौथी बार है, क्या कमियां रह गई? 15 साल में किसी संपर्क नहीं है, कोई काम नहीं किए, आज तक वो एक स्कूल तक नहीं बनवा पाए हैं। मेरे को लगता है कि आलमबाग बनवाए हैं, नवागढ़ में वही दिख रहा है, और दूसरा कोई भी काम जो पूर्व में काम हुए उसको भी वो रिपेयरिंग रोडों का रिपेयरिंग नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ नहीं कराए होते हुए लगातार जीत रहे थे आप, इस तरह से एकदम अपन बोल सकते कि आप आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अगर जीत रहे हैं तो जनता उन्हें पसंद कर रही है। ये और भूपेश बघेल 36 घोषणाएं गंगा जल हाथ में लेकर खाए थे और 36 एक भी पूरा नहीं कर पाए, तो लोगों को दिख रहा नहीं कि कोई काम करने वाले नहीं है, सिर्फ लोगों को मूर्ख बना के जो है मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बने। हम जब ग्रामीणों के बीच में गए तो बोले कि धान का समर्थन मूल्य 2500 का वादा किया था, देते देते 2800 तक भुगतान किए, इस बार घोषणा पत्र में बीजेपी बोल रही है 3100 रुपए देंगे और इन्होंने घोषणा किया 3200 देंगे। कल राहुल गांधी ने बोला कि 3200 तो हम देंगे ही देंगे, प्रयास करेंगे कि जितना ज्यादा हो सका देंगे। तो आपकी सरकार, आपने भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3100 का क्यों वादा किया? नहीं, 3100 का वादा किया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम एक मुश्त पूरा पैसा देंगे, और पूर्व में जो 2018 से अभी तक के बोनस बचे हैं पूरे बोनस 25 दिसंबर को देंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है। कुछ ग्रामीणों का आरोप था कि रमन सिंह के शासन काल में उन्होंने बोनस की बात कही थी लेकिन दी नहीं थी, क्या कहना है? नहीं, बोनस तो वितरण हुआ, कुछ बाकी होगा तो कुछ कारणों से बाकी होगा, लेकिन बोनस सबको मिला है। हम कह सकते हैं कि रमन सिंह जब अपने शासन काल में बोनस नहीं दे पाए, अगर ऐसा कुछ प्रमाणित होता है तो आपकी सरकार बनेगी तो आप उस बोनस को भी देंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में उस बोनस को भी देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल रमन सिंह की सरकार रही तो जितने भी कार्य हुए रमन सिंह की सरकार में कार्य हुए, चाहे रोड ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए, सरगुजा को तो शिक्षा का हब उन्होंने बना दिया, कृषि महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस शासन काल में कॉलेज का एक प्राथमिक स्कूल भी खुला हो। ये क्या अभी एक स्कूल चला रहे हैं, वो भी सरकारी स्कूल में ही चला रहे हैं, आत्मानंद स्कूल सरकारी स्कूलों में ही चला रहे हैं। कहाँ से हैं और क्या लगता है टी एस सिंहदेव का प्रभाव आज भी बरकरार है सरगुजा संभाग में? मैं देखिए खड़गवां से हूँ, और कहना चाहिए मेरा नाम अशोक कुमार है, और मैं तो भाई किसी भी पार्टी में जुड़ा नहीं हूँ अभी तक। तो मैं ये हम लोग का कहना चाहूँगा कि देखिए धान उन हम लोग बेचने जाते हैं,
तो आधा बोरा फटा उटा दे देते हैं, आधा बोरा सही कि आधा को सीलिए, इसके बाद भरिए, ऊपर चढ़ाइए। अब हम लोग करते हैं, अब धान कमाते हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग को मेरे को थोड़ा सा तकलीफ लगा उस चीज़ में। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग गन्ना भी बेचते हैं वो महामाया शक्कर कारखाना में, तो वहाँ मेरा जो है कि बहुत ज़्यादा अगोला पत्ती काट दिए इन लोग। अब बोलेंगे साफ सुथरा नहीं है, उसका गन्ना को हम लोग बांधते हैं तो पत्ती का भी काटते हैं, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन साफ सुथरा नहीं है, जड़ है तो मिट्टी है, ऐसे करते हैं। हम लोग बहुत परिश्रम करके कमाते हैं, कम से कम किसानों को इतना तो कम से कम कुछ तो माफ़ करना चाहिए उनको, लेकिन ये सब नहीं करते हैं। अब हम लोग का क्षेत्र में देखिए, जहाँ तक उम्मीद है कि मैं वहाँ गया था आपका ये दैतमा मोड़ में, तो वहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैं देखने के उत्सुक में गया था वहाँ कि मतलब ऐसा समय आया है थोड़ा देखने जाऊं। तो वहां जाके देखा तो ये देखा कि वहां बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ था, बहुत ज़्यादा लोग रुचि जो है कि बीजेपी में ले रहे हैं। तो क्या लगता है वो भीड़ था तो सारे क्या वोटर भारतीय जनता पार्टी थे कि थे कि वो प्रधानमंत्री को सुनने के वाले आए? नहीं, अगर उनके मन में बीजेपी के प्रति कोई लालसा था तभी तो उन लोग गए। अब जिनको अगर कहना चाहिए उन इच्छा नहीं रहता। आप अपनी इच्छा की क्या लगता है? मेरा इच्छा तो भाई है कि बीजेपी जीत जाएगा। क्यों? काहे कि वो कहना चाहिए अगले जो पंचवर्षीय में जब आए थे उन लोग, तो हम लोग के कुम्हार जाति हैं हम लोग, तो हम लोग को चाक उक वितरण रमन सिंह जी किए थे, हम लोग को ये चक्रधारी समाज को ध्यान दिए थे, औजार उजार दिए थे। और ये जो कांग्रेस का जो आए हैं इन लोग, तो हम लोग का चक्रधारी का कोई फैसिलिटी उसलिटी हम लोग को नहीं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में बोला 3100 रुपए धान का कीमत देंगे और कांग्रेस ने बोला 3200 रुपए देंगे जी, फिर भी आप बोलते हैं बीजेपी से ज्यादा पैसा तो कांग्रेस दे रही है। तो धाने बेचने से पूरा जीवन यापन नहीं हो जाएगा ना भैया? आओ तो कहे वो चीज है, आप धान का 3200 रुपया दे दीजिएगा तो हम लोग का पूरा साल कट जाएगा। है भाई, आज के युग में इतना महंगाई है कि धाने से मेंटेन पूरा परिवार नहीं हो पाता है, गन्ना भी है चाहे कोई भी चीज़ है, हर चीज़ तो महंगा है। अब एक तो धान का रेट बढ़ा देने से मतलब कैसे परिवार आगे बढ़ेगा बताइए, कैसे अपना जिएगा खाएगा, बाल बच्चा कैसे पोषण पालन करेगा। प्रभाव को लेकर जब हम मतदाता के बीच में आए तो कुछ क्या कहना था कि कहीं ना कहीं प्रभाव तो कम हुआ है? एक कुम्हार है, उनका कहना था कि जब नरेंद्र मोदी 2 दिन पूर्व आए थे सभा स्थल पर तो वहाँ जबरदस्त भीड़ थी, लोगों में काफी उत्साह थी, तो कहीं ना कहीं उनका रुझान तो भारतीय जनता पार्टी की ओर ही रहेगा। सुमित सिंह, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ तक।